हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आलू टिक्की की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं इस डिलीशियस आलू टिक्की को मैं किस तरह से बनाई हूँ और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैंने आलू ली हूँ, तो ये आलू को उबाल कर छील ली हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लेना है, थोड़ा सा मूँगफली ली उसको भून कर और इसके छिलके को हटा लेना है, और यहाँ पे 20-25 कलियाँ लहसुन की, हरी मिर्ची, अदरक और 2 प्याज लेना है। प्याज को बारीक बारीक काट लेना है और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को अच्छी तरह से हमें कूट के एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मिर्ची को इस तरह से तोड़ के डालें और अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़े काट लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ये आसानी से कूट जाए। तो इसको इस तरह से करके मैं पेस्ट बना लूँगी और यहाँ पे आलू को भी अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेना है। तो इसमें मोटे टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो अच्छी तरह से आपको बारीक करना है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे आलू को भी तैयार कर ली हूँ और अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक बर्तन लेना है और उसमें मैं बेसन डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ। तो इन सब मसालों को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। तो एक बार में ही ज़्यादा पानी ना डालें, जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही डालें। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह का हमें बेसन का घोल तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का हमें आलू टिक्की के लिए बेसन का घोल तैयार करना है। अब इसको ढककर थोड़ी देर रख देना है। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी थी। तेल गर्म होने के बाद मैं हींग डाल दी हूँ थोड़ा सा। तो इसमें हम अब आलू को फ्राई करेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। जीरा जब भुन जाएगा तो मैं प्याज डालूँगी। तो प्याज को मैं बारीक बारीक काट ली थी। प्याज को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें थोड़ी देर भूनना है। इसके बाद ही हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट तैयार की थी उसको डालना है। तो थोड़ी देर मैं इसको भून लेती हूँ। कुछ देर बाद जब प्याज भून गया तो मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालती हूँ और थोड़ी देर इसको भी भून लेना है। लगभग 1 से 2 मिनट भूनना है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक भी भून गया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला आधा चम्मच के आसपास होगा और अच्छी तरह से मिक्स कर दे। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया था मैंने, मसाला डालते समय गैस को कम कर दे नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालें, क्योंकि यहाँ पर लहसुन को कूटते समय भी हमने नमक डाला था थोड़ा सा। अब यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से भून गया है। इसमें अब आलू को डालकर और लगभग 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से भून लेना है। तो गैस का फ्लेम अब मीडियम कर दें आलू को भूनते समय। 2 से 3 मिनट आलू को भूनते हुए हो गए। अब इसमें मैं मूंगफली डाल दी हूँ। मूंगफली को आलू के साथ अच्छी तरह से अब मिक्स कर लें और 1 मिनट तक और भून लें। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं आलू और मूँगफली को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। अब इसको एक थाली में निकाल कर और ठंडा होने दे देना है हमें। तो यहाँ पर थाली में निकाल कर अच्छी तरह से इसको फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो गया तो हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब आलू का मिश्रण हाथों में थोड़ा सा लेते हुए इसको दोनों हथेलियों के बीच में रख कर इस तरह से गोल कर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा दबाते हुए टिक्की का शेप दे देना है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से सारी आलू टिक्की बना के मैं तैयार कर लूँगी और इसको मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको तवे पे भी सेक सकते हैं। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को बना के मैं तैयार कर ली हूँ और गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने दे दी हूँ मैं। उसमें सरसों का तेल भी डाल दी हूँ। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इन टिक्कियों को अब हम फ्राई करेंगे।
तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाली हूँ, तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये बेसन भी देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसी तरह का हमें रखना है। अब इसमें टिक्कियों को इस तरह से डुबोकर और गर्म तेल में हमें डाल देना है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। इस टिक्की को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इन टिक्कियों को लो और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो ये अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो इस तेल में मैं 5 से 6 आलू की टिक्की को डाल दूंगी और इसको अच्छे से सिकने देते हैं एक तरफ। तो जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब हम इसको पलटेंगे। तो अभी 5 से 6 टिक्की मैं इसमें डाल दी हूँ और इसको थोड़ी देर अब हम पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब टिक्की एक तरफ से पक गई तो मैं इसको अब पलट दूंगी। तो कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि अचानक से बारिश होने लगी, किचन में अंधेरा हो गया था, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी हूँ कैमरे का। कैमरे की रोशनी की वजह से ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। तो एक तरफ से ये अच्छे से सिक गया था तो मैं इसको पलट दी हूँ और दूसरे तरफ से भी इसको जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो कुछ देर में ही दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू टिक्की बनके तैयार हो गई है और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इसी तरह से मैं सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेती हूँ और कढ़ाई में इस तरह से साइड में करते हुए जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकालते हुए सारी टिक्कियों को निकाल लेना है। तो एक बार आप इस डिलीशियस आलू टिक्की को ज़रूर ट्राई करें, खाने में ये आपको काफ़ी ही टेस्टी लगेगा। तो इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर टमाटर सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ खाएंगे तो ये काफ़ी ही अच्छा लगता है और इसका आप चाट बना के भी खा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।